ग्वालियर में राष्ट्रीय पक्षी मोरू की मौत हुई है। 15 मृत मोरू के शव पहाड़ी पर पड़े मिले, जिसमें 7 नर और 8 मादा के शव हैं। लोगों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जहरीला दाना खिलाने से मौत की आशंका जताई है। वहीं मोरू को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के पनकी वाले हनुमान की पहाड़ी पर आज सुबह लोगों ने मृत मोरू के शवों को देखा, तो तत्काल उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर जा पहुंची और पहाड़ी पर अलग अलग स्थानों पर पड़े मोरू के शवों को जांच पड़ताल के बाद उठाकर एक जगह रख दिया। वहीं जांच पड़ताल के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या शिकारी के द्वारा जहरीला दाना डालकर मोरू को मारा गया है। इसमें 7 नर और 8 मादा है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी जगह पर 13 मोरू की मौत जहरीला दाना डालने से हुई थी। इसमें 3 शिकारी भी वन विभाग की टीम ने पकड़कर उन्हें जेल भेजा था। सड़क की घटना होने से कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही भी सामने आती है। फिलहाल सभी मोरू के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना बहोड़ापुर क्षेत्र में सूरज नगर के पीछे डंकी वाले हनुमान मंदिर है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उस पर कुछ मोरों की लाश मिली है। वन विभाग की सूचना पर पुलिस यहाँ पे आई है, डेड बॉडी मिली हुई है। देखने के बाद पता चलता है कि एक साथ मृत्यु होना थोड़ा संदेहास्पद है और उनकी जांच के लिए इनका पीएम के लिए बॉडी रवाना कर दी गई है और विश्रा परीक्षण के बाद जो भी होगा वो कार्रवाई करेगी।